जी हाँ दोस्तों, आज एशिया कप का मुकाबला भारत और हांगकांग की टीम के बीच खेला गया, जिसमें आज भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने मिलकर अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर इस हारे हुए मुकाबले को पलट कर रख दिया। और वहीं इस दौरान हम आपको ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और उनके साथ साथ हार्दिक पांड्या की तो बल्लेबाजी आज की इस हाईलाइट वीडियो में तो हम आपको बताएंगे, तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी भारत और हांगकांग की टीम के बीच रोमांचक T20 मैच देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि भारत और हांगकांग की टीम में से आपको कौन सी टीम ज्यादा मजबूत लगती है, अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एशिया कप के दिन प्रतिदिन हम सभी को एक के बाद एक रोमांचक मुकाबले खेले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में दोस्तों ऐसा ही मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर भारत और हांगकांग की टीम के बीच खेला जाता हुआ नजर आया। दरअसल दोस्तों, आज के इस मुकाबले में हांगकांग टीम के कप्तान निजाकत खान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जहां पहले बल्लेबाजी करने का फैसला हांगकांग की टीम के पक्ष में रहा। दरअसल दोस्तों, हांगकांग ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 187 रन बना डाले थे, और यहां पर भारतीय टीम को लक्ष्य मिला था 188 रनों का। तो वहीं दोस्तों, जब हांगकांग की टीम मैदान पर पारी की शुरुआत करने के लिए उतरी तो यहां हांगकांग की टीम की तरफ से निजाकत खान और यसीम मुर्तजा मैदान पर ओपनिंग करने के लिए उतरे। लेकिन दोस्तों, यहां पर दोनों ही खिलाड़ी आज के इस मुकाबले में कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए। पहला विकेट तो निजाकत खान का गिरा, जो कि 6 गेंदों में मात्र 2 रन ही बनाकर पवेलियन लौटे, और उनको भुवनेश्वर कुमार ने अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवाया, जैसा कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। और निजाकत खान के आउट हो जाने के बाद फिर यसीम मुर्तजा मात्र 8 गेंद में 9 रन ही बना सके, और ये 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद हांगकांग की टीम काफी ज्यादा दबाव में थी। लेकिन दोस्तों, इस दबाव को झेलते हुए हांगकांग की टीम की तरफ से तीसरे और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे बाबर हयात और किंचित शाह। आज के इस मुकाबले में बाबर हयात ने 34 गेंदों में 56 रन बनाए, तो वहीं किंचित शाह ने 19 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली, और अपनी 36 रन की पारी में उन्होंने 5 चौके और 2 बड़े छक्के भी लगाए। तो वहीं दोस्तों, बाबर हयात और किंचित शाह के आउट हो जाने के बाद फिर पारी को संभालने के लिए उतरे एजाज खान और स्कॉट मैकेगनी। आज के इस मुकाबले में अयाज खान ने 28 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली और स्कॉट मैकेगनी ने 25 गेंदों में 37 रन बनाकर अपनी टीम हांगकांग को 187 के स्कोर तक पहुंचा दिया था। और हांगकांग की टीम 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 187 रन बना पाने में कामयाब हो सकी, और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट आज युजवेंद्र चहल ने लिए, जिन्होंने 2 विकेट हासिल किए, और वहीं भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट मिला। और इसी के साथ जब 188 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम उतरी तो यहां भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर से रोहित शर्मा और केएल राहुल मैदान पर आए, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों से आज तो उम्मीद की जा रही थी कि ये हांगकांग के खिलाफ अच्छी पारी खेलेंगे। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा तो एक छोर पर टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों केएल राहुल का खराब फॉर्म आज भी जारी रहा, जहां केएल राहुल मात्र 24 गेंदों में 27 रन बनाकर ही अरशद मोहम्मद की गेंद पर जिशान अली के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके चलते भारत को ये पहला बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगा। तो वहीं केएल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर आए विराट कोहली, जहां विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच अच्छी साझेदारी चल रही थी, और दोनों ही खिलाड़ियों ने देखते ही देखते अर्धशतकीय साझेदारी को भी अंजाम दे दिया था। लेकिन दोस्तों, यहां दूसरा बड़ा झटका विराट कोहली के रूप में लगा, जहां विराट कोहली 21 गेंदों में मात्र 36 रन ही बना सके, और अपनी 36 रन की पारी में उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया था। तो वहीं दोस्तों, विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद फिर पारी को संभालने के लिए उतरे रविंद्र जडेजा, जहां रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा के बीच अच्छी साझेदारी हो रही थी। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान रोहित शर्मा, जो कि अपने शतक की ओर आगे बढ़ ही रहे थे, वो 58 गेंदों में 86 रन बनाकर चले, और ये बड़ा विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से मुसीबतों में आ चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम यहां से इस मुकाबले को जीत नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने मिलकर इस मैच का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। दरअसल दोस्तों, ऋषभ पंत ने अंतिम 2 ओवरों में 6 गेंदों में 13 रन जड़ डाले, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने मात्र 3 गेंदों का सामना करते हुए ही 11 रन बनाकर भारतीय टीम को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर जीत दिलाई। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर भारत की जीत के साथ ही अब हांगकांग की टीम के खिलाफ होने वाले एशिया कप के मुकाबले के लिए भी पूरी हमारी भारतीय टीम तैयार है। और वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और हांगकांग के बीच खेले जाने वाले एशिया कप के मुकाबले से ठीक पहले का ये इंट्रा स्क्वाड और अभ्यास मैच था, जिसमें आज भारतीय टीम ने जीत हासिल की। बाकी सभी की क्या राय है भारत की जीत के बारे में, और आप किस बल्लेबाज और गेंदबाज को उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए 10 में से 10 नंबर दोगे, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच एशिया कप 2022 का पहला मुकाबला दुबई में खेला गया, जहां इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं दोस्तों, इस मैच में पाकिस्तान की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो
वो अपने पूरे 10 विकेट गंवाकर मात्र 147 रन ही बना सके और भारतीय टीम को लक्ष्य मिला 148 रनों का। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी थी तो यहां पर पाकिस्तान की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने की, जहां दोनों ही बल्लेबाज अच्छी साझेदारी तो कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इसी दौरान पहला बड़ा झटका भुवनेश्वर कुमार ने बाबर आजम को शॉर्ट गेंद पर कैच आउट करवा कर दिया बना सके और फिर मोहम्मद रिजवान उनको हार्दिक पांड्या ने आवेश खान के हाथों कैच आउट करवाया, जहां मोहम्मद रिजवान 42 गेंदों में 43 रन बनाकर चलते बने और ये 4 विकेट गिर जाने के बाद यहां से पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी क्योंकि कोई भी बल्लेबाज 20 से ऊपर का स्कोर बना ही नहीं पाया। जैसे कि आप सब यहां पर देख भी सकते हो कि कुसदिल शाह ने 7 गेंदों में 2 रन बनाए तो वहीं शादाब खान 9 गेंदों में 10 रन, आसिफ अली 7 गेंद में 9 रन, मोहम्मद नवाज 3 गेंद में 1 रन, हारिस राउफ ने 7 गेंद में 13 रन और नसीम शाह पहली गेंद पर LBW आउट हुए। और इसी के साथ भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम के 147 रन पर ही 10 विकेट चटका दिए थे और KL राहुल 0 रन पर ही पवेलियन लौटे। हालांकि दोस्तों KL राहुल का आउट होना भारत के लिए बड़ा झटका तो था, लेकिन दोस्तों फिर विराट कोहली ने जैसे पारी को संभाला मानो भारतीय टीम के ऊपर से सारे मुसीबत के बाढ़ हट गए हों। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि रोहित शर्मा और विराट कोहली सूझबूझ भरी साझेदारी कर रहे थे और इस दौरान रोहित शर्मा जहां कप्तानी पारी खेलते हुए काफी धीमे शुरुआत की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, जाना पाकिस्तान की टीम के लिए सोने पर सुहागा था, जहां पाकिस्तान की टीम को मैच में वापसी करने का अच्छा मौका भी मिल गया था, जहां जल्दी जल्दी 2 अहम विकेट गिरने से भारतीय टीम पर दबाव साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा था। भारतीय टीम ने अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला और भारत ने ये मैच जीतकर 2 पॉइंट्स भी हासिल कर लिया और नेट रन रेट जो है वो भारत का 0.175 है, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो। तो वहीं पहले हम बात करते हैं बी टीम के बारे में। जैसा कि आप यहां पर बी टीम की लिस्ट देख सकते हो, इसमें अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका के खिलाफ पहला T20 मुकाबला खेला था और इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम ने एक मैच खेला एक मैच जीता, लेकिन रविंद्र जडेजा ने एक छोर से पारी को संभालते हुए रन गति को बरकरार रखने का काम किया, जिसमें उन्होंने पहले सूर्य कुमार यादव के साथ जो 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे और वहीं इसके बाद हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर जीत की तरफ लेकर भारतीय टीम को गए। हालांकि दोस्तों इस दौरान रविंद्र जडेजा 29 गेंदों में 35 रनों की पारी खेलने के बाद पवेलियन लौटे। इसके बाद पांड्या ने छक्का लगाकर टीम को 5 विकेट से इस मुकाबले में जीत दिलाने का काम किया है। भारत पाकिस्तान की टीम के बीच खेले गए मुकाबले के बारे में और आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।